यहाँ पे देख सकते हो भाई, फूल एकदम फूल माला से एकदम सजाया जा रहा है। लगता है यहाँ पे छठी मैया का कोई मूर्ति भी लगा होगा। आप लोग देख सकते हो ऊपर के साइड से, तो यहाँ पे तो इधर है प्लस अंदर की साइड देखो ना। तो भाई मैं भी अंदर की साइड आपको ना दिखाता हूँ कैसा वाला व्यू है। प्लस इधर देखो सारा सामान ये सब सारा कुछ रखने वाले। प्लस यहाँ पे ना मेला काफी अच्छे तरीके से रहा है। प्लस वहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, बीच में जाने के बाद ना वो लोग क्या कर रहे हैं, शायद कुछ वहाँ भी काम चल रहा होगा, मैं भी मेरे ऐसा ख्याल से, बट मेरे को पता नहीं। देखो फोम लेके स्नान कर रहा है, लाइक देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से स्नान कर रहा है फोम लगाने के बाद। पीछे ना जो भी बांधा हुआ ना फोम टाइप का लिया हुआ फोम से पीछे। दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस आज आप लोग को यार टॉप 3 जो भी अपना छठ पूजा का घाट है ना वो आपको दिखाने वाले। तो ये वाली वीडियो ना काफी नेक्स्ट लेवल वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि बिहार शरीफ का सबसे टॉप 3 आप लोग को घाट दिखाने वाले, छठ पूजा घाट। तो बस वीडियो में बने रहना। और जो फर्स्ट नंबर वाली होगी ना वो अब तक के पूरा बिहार में ना सबसे टॉप पंडाल होगी, पूरा बिहार का सबसे टॉप पंडाल फर्स्ट वाली होगी। तो गाइज बस वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और फिर आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं थर्ड नंबर, फिर सेकंड नंबर और फिर फर्स्ट नंबर लेके चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर घाट बिल्कुल देखना मत भूलना गाइज, क्योंकि वो वाली ना पूरा बिहार शरीफ का ना सबसे टॉप पंडाल, टॉप घाट होगा अब तक का। तो चलो लेके चलते हैं आपको पंडाल घाट की तरफ। तो बस वीडियो करते स्टार्ट और फिर अपना आप लोग को घाट दिखाना भी करते स्टार्ट गाइज। सो गाइस सामने एक साइड देख सकते हो सूर्य मंदिर छठ पूजा समिति बियावानी। सो ये यहाँ पे ना बियावानी का लोग अर्घ देने के लिए आते हैं, भले जो बड़ी पहाड़ी के लोग होते हैं ना वो भी अर्घ देने के लिए आते हैं। तो इस तरफ से अपना घाट स्टार्ट होती है गाइस, मैं भी आपको उतर के दिखाता हूँ। सो गाइस बाहर के साइड से कुछ ऐसा डेकोरेशन होता है, प्लस उधर के साइड देख सकते हो कुछ दुर्गा माता का ऐसा। और फिर यहाँ पे मेन एंट्री है सूर्य मंदिर निर्माण समिति, यहाँ से अंदर की ओर पूजा के लिए जाते हैं। प्लस उधर से दिख रहा हूँ सामने के साइड, वहां से भी सारे लोग जा सकते हैं, बड़ी पहाड़ी से उधर से आते हैं ना तो उधर से अर्घ देने के लिए आते हैं। और फिर यहाँ से अपन लोग एंट्री लेते हैं, तो आपको इधर का नीचे के साइड से जाके ना आपको घाट दिखाते हैं यहाँ का घाट कैसा है। सो गाइस घाट काफी अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुका है, और फिर ये अपना सूर्य मंदिर है आप लोग देख सकते हो। और फिर यहाँ से ना लाइक ये वाली पूरा घाट क्लीन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएंगे ना अपना सारा यहाँ पे रखेंगे सारा सामान, और फिर नीचे की साइड आके अपना जो भी होगा अर्घ देंगे। और फिर यहाँ का पानी देखो ना तो काफी अच्छा से एकदम क्लीन हो चुका है, क्योंकि यहाँ का पानी ना इतना ज्यादा गंदा था ना गाइस, इतना ज्यादा ना कि आपको बता नहीं सकते, लेकिन अभी के टाइम में देखो ना तो काफी ज्यादा क्लीन हो चुका है। प्लस फोम लेके सारे लोग स्नान कर रहे थे, और फिर वहां पे देखो ना तो वहां पे बोड़ी बहुत सारा रख दिया गया, क्योंकि काफी ज्यादा कचड़ा आ जाती थी ना इधर उसी कारण से। और फिर यहाँ पे जो भी ब्रिगेडियर दिया गया ना, ब्रिगेड दिया गया, वहां से आप लोग उधर की साइड नहीं जाना, ये तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था। प्लस यहाँ पे देखो ना तो एक बजरंग बली का बहुत अच्छा सा मूर्ति है, बहुत ही भव्य सा। और फिर इधर के साइड देखो इतना खाली खाली सा जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं ना छठ देने के लिए, अर्घ देने के लिए, वो अपना सूप रखते, कुछ लोग यहाँ पे या फिर कुछ लोग अपना नीचे सूप रखेंगे, जो भी बट्टा होता है ना हम लोग का गाँव का भाषा में बट्टा बोलते हैं, वो वहां पे रखते हैं और फिर नीचे जाके स्नान करते हैं और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो ये कुछ ऐसा सीन है। और फिर यहाँ पे देखो भाई कैसे जंप कर रहा है ऊपर के साइड से नीचे डायरेक्ट, तो ये कुछ ऐसा सीन है। मैं अभी आपको ना उस बोड़ी का भी सीन दिखाता हूँ कैसे वो फोम लेके स्नान कर रहा है, लाइक देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से स्नान कर रहा है फोम लगाने के बाद। पीछे ना जो भी बांधा हुआ ना फोम टाइप का लिया हुआ फोम से पीछे बांध लिया। प्लस वहां पे मैं अभी आपको बोड़ी का दिखाता हूँ कुछ। सो ये देखो गाइज ये क्रॉस करने वाली है, यहाँ से आप लोग क्रॉस कर सकते हो। बोड़ी इसलिए यहाँ पे रखा गया है ना कि कोई भी गंदा गंदा सा चीज होता है ना वो नीचे के साइड दब जाए, और बोड़ी के ऊपर से सिर्फ साफ पानी क्रॉस उधर हो, और फिर बोड़ी से आप लोग उधर क्रॉस भी कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे बोड़ी दिया गया, क्योंकि गड्ढा वहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है। और फिर इधर की साइड देखो ना तो आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा गंदा ये पानी था उधर के साइड से, लेकिन क्लीन कर दिया गया। प्लस ये भी क्लीन अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ये कुछ घाट है, अभी आपको और भी अच्छा अच्छा घाट दिखाने वाले। तो ऊपर की साइड से देखो ना तो कुछ ऐसा बियावानी का घाट दिख रहा है, लाइक वहाँ पे वो वाली घाट है जो कि काफी ज्यादा क्लीन हो चुकी है। और फिर ऊपर की साइड से देखो ना तो कहीं कहीं गंदा सा बहुत सारा दिख रहा है, प्लस ये वाली पानी साफ करने से ना शायद डैम खुलवाए होंगे उसके कारण ये वाली पानी और भी क्लीन हो चुकी है। सिर्फ वो वाली बेवानी का घाट है, प्लस वही वाली बड़ी पहाड़ी के लोग भी घाट पे उस पे अर्घ देते हैं, लेकिन नहीं बड़ी पहाड़ी वालों के लिए ना ये स्पेशल सा घाट बनी है। लाइक आप लोग देख सकते हो क्या ही मस्त वाला एकदम घाट लग रहा है। इधर पहले पानी नहीं होती थी लेकिन इसको भरा गया है काफी अच्छे से। प्लस क्लीनिंग देखो ना तो बहुत ही अच्छा सा क्लीन है। प्लस घाट की लंबाई चौड़ाई देखो तो वो भी काफी अच्छा है। सो ये कुछ बड़ी पहाड़ी का अर्घ देने वाला घाट है गाइस। और आज अभी अपन लोग आ चुके धनेश्वर घाट ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पे आ चुके। और फिर यहाँ के साइड से देखो ना तो यहाँ पे एक घाट है, धनेश्वर घाट तालाब है ना,
वहीं पे घाट बनी है छठ पूजा का। लाइक यहाँ से एंट्री देखो तो कुछ ऐसा ऊपर से ऊपर के साइड लिखा हुआ मिलेगा, पार्ट नंबर 26 की ओर से छठ पूजा माताओं की कोटि कोटि प्रणाम। सो लीगा यहाँ पे आओगे ना तो आपको दिख जाएगा धनेश्वर घाट तालाब में आपका स्वागत है। तो यहाँ से अपन लोग अंदर के साइड जाएंगे, प्लस यहाँ से भी एक एंट्री है, यहाँ से आप लोग यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे अंदर आओगे फिर उधर से आपको वहाँ पे लास्ट दिख रही है ना वो वाली देखना, एक लास्ट दिखेगी। सो वहाँ से एक सीढ़ी मिलेगी नीचे की ओर, तो वहाँ से भी नीचे जा सकते हो, बट फिलहाल अपन लोग इधर की ओर जाते हैं मेन गेट की तरफ। तो यहाँ से आप लोग एंट्री लोगे, फिलहाल अभी लॉक किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग भी लिखा हुआ है, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, शाम में 4 बजे से 8 बजे तक ये लॉक खुलती है, बट अभी छठ पूजा के कारण अभी ये लॉक कर दिया गया क्योंकि डायरेक्ट कल ही ये ओपन होगी। तो यहाँ से आप लोग देखो ना तो यहाँ पे दो दो चेंजिंग रूम आपको मिल जाएगी, एक वहाँ पे चेंजिंग रूम है लाइक वो वाली लास्ट में देख सकते हो, उधर चेंजिंग रूम है नहाने के बाद, प्लस एक इधर के साइड चेंजिंग रूम है जो कि जूम करके दिखाओ ना तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे चेंजिंग रूम। तो कुछ ऐसा यहाँ का घाट है, प्लस अभी कंटिन्यू पानी चेंज हो गया, कंटिन्यू पानी यहाँ पे आता जा रहा है लाइक वो वाली लास्ट देख रहे हो वहाँ वो वाली पाइप से पानी मतलब कंटिन्यू आता जा रहा है, इसे भराया जा रहा है। सो इधर के साइड से देखो ना तो कुछ ऐसा घाट मतलब पानी इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, तो इसको सुखाने के बाद ना काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पानी भरा गया, प्लस यहाँ पे देखो ना तो मछलियाँ आपको दिख रही होगी ऊपर के साइड छहलाई हुई, वो वाली दिख रही है ना वो मछली है गाइज, आप लोग देख सकते हो, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, अभी अंदर के साइड चली गई है। तो यहाँ का कुछ घाट का कुछ ऐसा सीन है आप लोग देख ही सकते हो। तो ये घाट काफ़ी अच्छा घाट लग रहा है मेरे को, धनेश्वर घाट वाली घाट ना, जो धनेश्वर घाट बोलते हैं ना यहाँ का ना, छठ वाली घाट ना काफ़ी अच्छी लग रही है, हालांकि लॉक है ना तो इसके कारण अपन लोग ना नीचे के साइड से जाके नहीं दिखा रहे, बट फिलहाल आपको यहाँ से दिखाते हैं ना। तो यहाँ से आप लोग एंट्री लोगे, उस साइड का एंट्री मैंने बता दिया, यहाँ का एंट्री आप लोग लोगे ना तो दो सीढ़ी यहाँ से टूटती है गाइज, एक सीढ़ी देख लो ना तो आप लोग, तो उधर से एक नीचे जाती है, उस तरफ से एक नीचे, और फिर एक सीढ़ी यहाँ से नीचे आती है। तो जिनको उस तरफ से रख देना उस तरफ जा सकते हो, जिनको इधर से रख देना ना वो ये वाली सीढ़ी से उतर के और फिर अपना आराम से कहीं भी रखो और फिर पूजा पाठ करो, अर्घ दो, उसके बाद आराम से घर जा सकते हो। तो ये यहाँ का घाट कुछ ऐसा है धनेश्वर घाट का, हालांकि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी खुला नहीं है, शाम में 4 बजे खुलेगी। तो इस मैंने सोचा ना कि भाई अपन लोग यहाँ पे पाँव रखेंगे और फिर इसके ऊपर चढ़ जाएंगे ना तो आपको अच्छा से दिखेगी, लेकिन ये वाली देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा हिलती है, तो इसके कारण अपन लोग सेफ्टी भी तो देखना है ना भाई, मतलब सरकार आपको व्यवस्था किया तो उसको भी सेफ्टी देखते हुए अपन लोग इस पर चढ़ के नहीं वीडियो बना सकते। प्लस इधर की साइड देखो ना तो ये क्या है पता नहीं भाई, कुछ तो होगा, या फिर वीरेन वलम में भी मेरे को स्मार्ट सिटी शायद ये पढ़ाई का कुछ होगा या फिर डिजाइन का, नूरानी आर्ट एंड डिजाइन कुछ उसी प्रकार टाइप का लग रहा है। तो ये तो कुछ ऐसा है, आपको अब चलते हैं नेक्स्ट घाट की तरफ आपको दिखाने के लिए। फिलहाल ये घाट कुछ ऐसा है, आप लोग एक बार ना मैं अंदर के साइड से ऐसे दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग देख सकते हो अंदर का घाट का नज़ारा कुछ अलग ही लग रहा है। वो वाली देख रहे हो उधर लास्ट में ना चेंजिंग वाली रूम है, और फिर इधर भी एक चेंजिंग वाली रूम है जो कि आप लोग ये वाली देख सकते हो, ये चेंजिंग रूम है। और यहाँ का पानी देखो ना तो यहाँ का पानी भी हरा हरा है, बिल्कुल जो बड़गांव का पानी था ना हरा, वैसे ही यहाँ का पानी भी गाइज ऑटोमेटिक सा हरा हो जाता है। क्यों होता है ये मेरे को पता नहीं, क्या इसका रासायनिक कुछ फॉर्मूला या फिर क्या है मेरे को वो भी नहीं पता, बट आप लोग पानी देख सकते हो सामने की साइड कंटिन्यू पानी गिरता जा रहा है, क्योंकि यार पानी कमना नहीं चाहिए, जब अर्घ पड़ेगी ना उस टाइम पानी कमना नहीं चाहिए। प्लस नीचे की साइड देखो ना तो पेड़ पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया गया यहाँ पे, प्लस डेली पानी इस पेड़ पौधे में पड़ती है, अभी भी देखो ना तो कुछ टाइम पहले ही पानी पड़ी है, जैसे आप लोग देख सकते हो भीगा हुआ सारा। जब अपन लोग मनी राम के अखाड़ा के पास जा रहे हैं, और इधर का डेकोरेशन देखो ना ऊपर के साइड तो काफी अच्छे तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे डेकोरेट करके रखे हैं, ये देख सकते हो गाइस। और अभी यहाँ से अपन लोग राइट साइड लेंगे ना तो मनी राम के अखाड़ा की तरफ जाएंगे गाइस। यहाँ पे देख सकते हो भाई फूल एकदम फूल माला से एकदम सजाया जा रहा है, लगता है यहाँ पे छठी मैया का कोई मूर्ति भी लगा होगा, आप लोग देख सकते हो ऊपर के साइड से, तो यहाँ पे डेकोरेशन काफी अच्छा लग रहा है। प्लस यहाँ पे देख लो सारा जगह माला का एकदम लर्ची में भी, मेरे ख्याल से ना यहाँ पे ये देखो छठी मैया का यहाँ पे लगाया गया, ये देख सकते हो। सो ये कुछ है लाइक मूर्ति यहाँ पे बैठाया गया, और सामने के साइड से और भी आगे जाएंगे ना तो अपना मनी रामा अखाड़ा के पास पहुंचेंगे, बट यहाँ का डेकोरेशन ना काफी भयानक है भाई, मतलब देख रहे हो भाई कैसा डेकोरेशन, कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया छठ पूजा में, डेकोरेशन ऐसा है। और सामने की साइड देखो ना तो एकदम लड़ी लड़ी सा ना बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, सामने के साइड से आप लोग देख सकते हो कैसा डेकोरेशन लग रहा है आप लोग को देखने में, बताना कमेंट करके। गाइस पहुंच चुके हैं मनी राम अखाड़ा के पास, और फिर मैं फर्स्ट क्यों नंबर रखा हूं ना मनी राम के अखाड़ा को, तो आप लोग कमेंट करके बताओ मैं ऐसा क्यों रखा हूं फर्स्ट नंबर पे, आप लोग भी समझ सकते हो। सो ये अपना मनी राम बाबा का अखाड़ा है, और फिर ये मंदिर है मनी राम बाबा का, और फिर आगे की साइड देखो ना तो उधर के साइड से अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट घाट के पास गाइस।
यहाँ पे देखो ना, तो अंदर के साइड से ना कुछ मेला लगी है, लगे है थोड़ा बहुत झूला है सब लगी है, प्लस यहाँ भी संत सिरो मनी श्री ऐसा करके कुछ लिखे हुए, मनी राम बाबा के अखाड़ा इधर ही बोलते मनी राम बाबा ऐसा, तो इधर है प्लस अंदर के साइड देखो ना। तो भाई मैं भी अंदर के साइड आपको ना दिखाता हूँ कैसा वाला व्यू है, प्लस इधर देखो सारा सामान सब सारा कुछ रखने वाले, प्लस यहाँ पे ना मेला काफी अच्छे तरीके से लगती है। तो अभी अपन लोग घाट की तरफ चलते हैं, अंदर के साइड चलते हैं और फिर अंदर के साइड का आपको व्यू दिखाते हैं गाइस। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो श्री बाबा मनीराम अखाड़ा न्याय समिति, तो यहाँ पे मेन अरग पड़ेगी, ये ना पूरा बिहार शरीफ का ना सबसे बड़ा वाला घाट है ये अपना पूरा बिहार शरीफ का। तो अभी मैं अपन लोग ना अंदर की ओर जाते हैं और फिर आगे साइड आप लोग देख सकते हो महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर यहाँ से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद ना आप कुछ ऐसा देखोगे तालाब, क्योंकि कुछ महीने पहले ही जब मेला लगी थी ना उस टाइम एकदम सूखा सूखा सा था, बट अभी फिलहाल पानी भर दिया गया, प्लस इधर की साइड अपना मंदिर है और फिर यहाँ पे घाट देखो भाई, मतलब कितना बड़ा सा लग रहा है ना एकदम। लास्ट तक देखोगे ना तो ये देखो मैं जूम करके आपको दिखा दूँ कितना लास्ट एकदम जा रहा है। तो जो भी होगा ना आज कल दोपहर तक काम होगा, उसके बाद काम नहीं होगा क्योंकि शाम में अर्घ पड़ेगी और अभी पानी का कुछ सफाई अच्छे से नहीं हुआ है, बट हाँ कल तक पूरा अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगा क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। प्लस वहाँ पे आप लोग देख सकते होगा बीच में जाने के बाद ना वो लोग क्या कर रहे हैं, शायद कुछ वहाँ भी काम चल रहा होगा, मे भी मेरे ऐसा ख्याल से, बट मेरे को पता नहीं, बट हाँ काम ही चल रहा होगा वहाँ पे। और फिर यहाँ का व्यू देखो ना तो काफ़ी अलग सा काफ़ी मस्त वाला व्यू लग रहा है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो नियंत्रण कक्ष जिला प्रशासन नालंदा, तो कुछ ऐसा है। प्लस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ हस्ताक्षर सब है, प्लस इधर का सीन कुछ ऐसा है। और सामने की साइड देखो ना तो वहाँ भी काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रही है। और ये ना जब अपन लोग मेला के टाइम आए थे ना तो ये सब कुछ भी नहीं बना हुआ था, एकदम मिट्टी सा था, लेकिन गाइस मतलब सोचो 1 से 2 से 3 महीने में ना काफ़ी अच्छे तरीके से बना चुके। और फिर अभी घाट जब तैयार हो जाएगा ना सारा कुछ, उसके बाद देखोगे ना तो काफ़ी और भी दमदार और फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लस बीच में वाली देख रहे हो ना वाली फाउंटेन्स है जो कि अरग पड़ेगी ना शाम वाली, उस टाइम वो वाली फाउंटेन चलेगी ना तो और भी ज़्यादा अच्छा सा सीन आएगा। तो कुछ यही पर बस कुछ ऐसा ही है यहाँ का घाट का सीन। प्लस उधर के साइड देखो ना तो वो वाली चेंजिंग रूम है, प्लस इधर भी चेंजिंग रूम है और फिर आगे भी शायद वो लास्ट वाली फिर है चेंजिंग रूम। सो कुछ ऐसा ही सीन है। तो ये अपना मनी राम बाबा अखाड़ा के पास का ये घाट है। सो मैं इसको ना फर्स्ट नंबर पर इसीलिए रखा था क्योंकि ये वाली घाट प्लस इधर का डेकोरेशन ना, इधर हमेशा हर जगह ना छठी मैया का मूर्ति बैठाया जाता है, प्लस डेकोरेशन काफ़ी हेवी तरीके से होता है जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर पे सही किया हूँ रख के या फिर गलत किया हूँ। सो बस कुछ यही है गाइज यहाँ का सीन। ठीक है अपना घाट कुछ इस प्रकार है, अपन लोग टॉप 1, 2, 3 आपको दिखा दिए। अपन लोग फर्स्ट नंबर पे मनी राम बाबा अखाड़ा का घाट को फर्स्ट नंबर पे रखे क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, प्लस आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर पे यही है, आप लोगों को कौन सा घाट फर्स्ट नंबर पे लगते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइज, हर हर महादेव, बाय बाय। एंड आप सभी को लास्ट में हैप्पी छठ पूजा, छठी मैया समझ सकते हो ना। सो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइज।